मित्रों, एक ऐसा मंदिर जिसने पुरातत्वविदों की नींदें उड़ाई हुई है, एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण में पारलौकिक शक्तियों का सहयोग बताया जाता है, एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत से गहन शोध किए और उन्हें काफी रहस्य भी मिले, लेकिन आज तक उन्हें यह पता नहीं लग पाया कि जिन पत्थरों को तोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया गया, उन पत्थरों के अवशेष कहाँ गायब हो गए। यह बात दिमाग चकरा देने वाली है कि इतने विशाल पहाड़ को तोड़कर इस मंदिर को बनवाया तो गया, लेकिन आसपास के इलाकों में उन तोड़े गए पत्थरों का नामो निशान तक नहीं है। उन्होंने इस मंदिर पर बारीकी से अध्ययन किया, तब उन्होंने बताया कि इतना तो तय है कि इस मंदिर का निर्माण इंसानों द्वारा नहीं किया गया। हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी कैलाश के नीचे वह हथियार मौजूद है जो कि इस धरती का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर लाया गया था। चौंक गए ना? परंतु जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कैलाश के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। आखिर वैज्ञानिकों ने कैलाश में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने कहा कि इसका निर्माण इंसानों ने नहीं किया? आखिर कैलाश के निर्माण में लगे पत्थरों ने वैज्ञानिकों के होश क्यों उड़ा दिए? आखिर कैलाश के अंदर जाने से आज भी वैज्ञानिक क्यों डरते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दैविक माया YouTube चैनल पर। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मंदिर है जिसे दुनिया कैलाश मंदिर के नाम से जानती है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। न जाने कितने वैज्ञानिक आए और न जाने कितनों ने ही इस मंदिर के रहस्यों पर शोध किए, पर आज तक वे सभी इसके रहस्यों को सुलझाने में नाकामयाब ही रहे हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता कैलाश के नीचे बनी गुफा से आज भी इतने डरते हैं कि इन्हें शोध के लिए बंद कर दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को तराशकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है और इसे बनाने में लाखों टन पत्थर यहाँ से काट के निकाले गए थे, परंतु आसपास के इलाके में वे कटी हुई चट्टानें कहीं भी नहीं मिलती। वैज्ञानिकों ने जब इस संबंध में और भी शोध किए तो पता चला कि मंदिर का निर्माण छेने या हथौड़े से काटकर नहीं किया गया। तो फिर इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में किस तकनीक के द्वारा किया गया? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। यदि इन संरचनाओं का निर्माण पहाड़ों से चट्टान काटकर किया गया तो सभी हटाई गई चट्टानें कहाँ गईं? असली हैरान करने वाला तथ्य यह है कि अगर आप एलोरा की गुफा के आसपास खोज करते हैं तो भी आपको कटी हुई चट्टानों का कोई ढेर नहीं मिलेगा। पुरातत्वविदों के अनुसार आप एलोरा में जो देख रहे हैं वे 34 विभिन्न संरचनाएं हैं जो कि पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। यदि मनुष्य ने इस मंदिर को तराशकर बनाया है तो यहाँ से निकले हुए पत्थरों के मलबे इतने होंगे कि जिससे एक दूसरे पहाड़ का निर्माण हो जाए, परंतु वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। अगर हम यहाँ मौजूद एलोरा की गुफा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कैलाश मंदिर को देखें तो पुरातत्वविदों का अनुमान है कि करीबन 400,000 टन से अधिक चट्टानों को यहाँ से काटकर निकाला गया था। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ मौजूद 34 मंदिरों से कितनी चट्टानें हटाई गई होंगी। अगर इन सभी निकली हुई चट्टानों को आपस में जोड़कर देखें, तो वे गीजा के पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास लाखों टन पत्थर बच जाएंगे। लेकिन यदि कैलाश मंदिर पर नजर डालें, तो आपको यहाँ कोई कटी चट्टानें या पत्थर का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि इतनी भारी मात्रा में निकली हुई चट्टानों को कहीं और ले जाकर रख दिया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण दूसरी दुनिया के लोगों द्वारा किया गया था और वह भी उन्नत मशीनों द्वारा, ऐसी मशीनें जो पत्थरों को काटती भी हों और बचे हुए पत्थरों को भाप भी बना देती हों, जिससे पत्थर का मलबा नहीं बचता हो। इस अस्त्र को भूमि अस्त्र कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह तो कह दिया कि एलोरा की गुफा को मानव ने छेनी और हथौड़े से नहीं बनाया था, ये एक बहुत ही उन्नत सभ्यता की बेहतर तकनीक द्वारा बनाई गई थी। वैज्ञानिक कैलाश मंदिरों से हार चुके हैं और वे इससे जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को मानना नहीं चाहते। बताया जाता है कि महादेव से मिले हथियार से मंदिर बहुत ही कम समय में बना दिया गया था।
यह अस्त्र आज भी इस मंदिर की गुफा में मौजूद है, इसलिए शायद इन गुफाओं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक शोध में यह पता लगा कि कैलाश की ये गुफाएं बहुत अधिक रेडियो एक्टिव हैं और अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। मित्रों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आखिर कैलाश मंदिर के निर्माण के बाद जो चट्टानें निकाली गई थी, वे चट्टानें आसपास के इलाके में क्यों नहीं दिखती? आखिर इतनी भारी चट्टानें कहाँ गईं? आखिर इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मानव या एलियन द्वारा? आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।